होली का जो दिन होता है वह बड़ा ही ज्यादा खास और शक्तिशाली दिन होता है, बल्कि इसे सिद्ध दिन भी कहा जाता है। जो लोग अपने जीवन में तंत्र साधना या मंत्र साधना आदि वगैरह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही ज्यादा खास और उत्तम होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होलिका दहन में जो होली की जलने वाली जो राख होती है, यह बड़ी ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होती है। इस राख के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जो काफी कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि ये जीवन की हर प्रकार की परेशानी से आपका छुटकारा कर सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होलिका दहन में जो राख बचती है, जो राख होती है, उसका प्रयोग बड़ी आसानी से बहुत सारी चीजों में आप कर सकते हैं। जैसे कि धन की, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, या फिर शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, या फिर वशीकरण सम्मोहन तक के लिए भी इस राख का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस बार होली का दहन 17 मार्च को है, तो उसी दिन जब होली का दहन आपके आसपास कहीं पर भी होता है, वहां से आपको एक मुट्ठी राख या फिर कितना भी राख आप वहां से लेकर आ सकते हैं। और यह जितने भी प्रयोग हम आपको बताएंगे, उनका इस्तेमाल आप अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि होली का दहन वाली जो राख होती है, उसमें ऐसी गजब की शक्तियां होती हैं जिससे नकारात्मक शक्तियां डरकर भागती हैं। यह एक भस्म की तरह कार्य करती है। तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है, कोई ना कोई शत्रु आप पर कुछ ना कुछ कराता ही रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, तो ऐसे में इस राख से आपको ओम नमः शिवाय अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख देना है। बस इतना करने मात्र से ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत आदि, या फिर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रियाएं आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि सभी भूत प्रेत भी जो होते हैं, पिशाच आदि वगैरह होते हैं, ये भी भगवान शिव के ही भक्त कहलाए जाते हैं। और जितने भी ये तंत्र प्रयोग होते हैं, उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव शक्तियों को छोड़ा जाता है। तो इसी राख से अगर घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है, ये भी आप जान लें, बाहर की ओर नहीं लिखना है। और इसी राख में अगर धतूरे के फल का रस भी अगर मिला दिया जाता है, तो इससे इसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और धतूरे का फल आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी चीज है कि अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हैं, तो इस राख का इस्तेमाल आपको इस प्रकार करना है कि इस राख में आपको आंकड़े के जो फूल होते हैं, उनको जलाकर उनकी भी राख इस राख में मिला देनी है। और एक खास दीपक आपको तैयार करना है, कोई भी 5 तरह का अनाज आपको ले लेना है, उसी में इस राख को आपको मिला देना है। जैसा हमने आपको बताया है, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। 5 तरह का अनाज आप जानते भी हैं कि कौन कौन से आपको लेना है, बस वही अनाज आपको लेकर, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, बाजरा, मक्का, इस प्रकार के 5 अनाज का दीपक तैयार करके 5 ही बाती आपको उस दीपक में जलानी है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में अगर शत्रु से परेशान है, तो उसके ऊपर से इस दिए को 21 बार उतार कर, ये जो दिया है, इसे चौराहे पर जाकर 5 बाती लगाकर सरसों का तेल डालकर इसे जलाकर रख कर आ जाना है। यह बिल्कुल चौराहे में ही आपको करके आना है। और चौराहे पर अगर कोई पेड़ होता है, तो पेड़ की छाया में भी इसे रखा जा सकता है। आप ये बात का ध्यान रखें कि जब आप ये करके आएंगे, तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, चौराहे से फिर सीधा आपको अपने घर आ जाना है। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो जितना भी दुर्भाग्य, जितनी भी नेगेटिव शक्तियां जो आप छोड़कर आ रहे हैं, वो वापस आपको पकड़ लेती हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं कि आप उन्हें पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब तीसरी चीज ये है कि इसी राख का इस्तेमाल आपको वशीकरण और सम्मोहन के लिए भी किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण या सम्मोहन करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की कोई भी रूमाल, कोई भी इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, या उसके बाल, या उसके नाखून अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो आप किसी भी मिट्टी की हांडी में उसकी वह चीज रख कर और अपनी भी वह चीज रख कर, यानी कि उसकी जो चीज आपको प्राप्त होती है, वही चीज फिर आपको अपनी भी लेनी है। जैसे उसका रूमाल प्राप्त हो जाता है, तो आपको अपना भी रूमाल लेना है और दोनों को गांठ लगा देनी है, और उसके बाद किसी भी मिट्टी की हांडी में इसे भर कर आपको उस राख को उसके ऊपर भर देना है, यानी कि पूरा उस मटके को पैक कर देना है। इसलिए छोटी सी कुल्हड़ भी आप ले सकते हैं, जिससे कम राख का इस्तेमाल आपको करना पड़े। ऐसा करने के बाद ये जो मिट्टी का बर्तन या कुल्हड़ जो आपने लिया है, इसे लेकर लाल रुमाल में पूरी तरह से कवर कर देना है, और इसे जाकर किसी भी बरगद वृक्ष के पास गड्ढा खोदकर दबा देना है। ऐसा करने से जिस भी व्यक्ति को आप सम्मोहन या वशीकरण अपने वश में करना चाहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके पूरे वश में हो जाता है, और बिल्कुल भी आपके विरोध नहीं जाता है और आपसे विरोध उत्पन्न नहीं करता है। तो इस प्रकार होलिका की जो राख होती है, उसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में और भी किया जा सकता है। यह जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आपको करनी है जैसे हमने आपको बताई हैं। आने वाले वीडियोस में होली के दिन कौन सी ऐसी खास साधना है जिसे करने से महाकाली की विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं,
और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, ये भी हम आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे, क्योंकि होली का दिन सबसे ज्यादा खास और विशेष होता है। तो होली का जो दिन होता है उसकी रात पर आपको बैठकर वो खास साधना भी करनी है, जो हम आने वाले वीडियोस में निश्चित ही बताएंगे। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी अवश्य दबा दें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो ये वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।